बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल था। वो जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। जंगल में तरह तरह के फल फूल पाए जाते थे, जिन्हें खाकर जानवर अपनी भूख मिटाते थे। जंगल में कई छोटे बड़े तालाब थे, इन्हीं तालाबों से जंगली जानवर पानी पीते थे। एक बार जंगल में एक बड़ा तालाब था। जंगल के सारे जानवर इसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा सा मदमस्त ऊंट अपनी मस्तानी चाल से पानी पीने चला आ रहा था। ठीक उसी समय शेर भी पानी पीने आ गया। जंगल के सारे जानवर शेर को देखकर साइड में खड़े हो गए, परंतु ऊंट को जोरों से प्यास लगी थी तो वह नहीं रुका और पानी पीने लगा। शेर को ऊंट का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। शेर नाराज होकर ऊंट से बोला, अरे ऊंट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं पानी पीने आया हूँ, और तुम मुझसे पहले पानी कैसे पी सकते हो? तुम पीछे हटो, पहले मुझे पानी पीने दो। ऊंट नाराज होते हुए बोला, अरे शेर, अपनी हेकड़ी किसी और को दिखाना, मैं यहाँ पहले आया हूँ और मैं ही सबसे पहले पानी पीऊंगा। शेर और ऊंट में बातों बातों में तू तू मैं होने लगी और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। शेर और ऊंट दोनों के शरीर से खून बह रहा था और दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। तभी दोनों ने देखा कि तालाब के पास बहुत सारे लकड़बग्घे आ रहे हैं, आसमान में गिद्ध भी मंडराने लगे हैं। शेर और ऊंट दोनों समझ गए कि ये सभी हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अपना पेट भर सके। दोनों जानते थे कि अगर इसी तरह लड़ाई चलती रही, एक ना एक जरूर मारा जाएगा और जो बचेगा वो इतना थक जाएगा कि इन सब का सामना अकेला नहीं कर पाएगा और ये उसे भी मारकर खा जाएंगे। शेर और ऊंट ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे का इशारा समझ गए। दोनों ने लड़ाई रोक दी और साथ मिलकर पानी पिया, अपनी थकान मिटाई। लकड़बग्घे देखते ही रह गए और दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस प्रकार ऊंट और शेर ने समझदारी से अपनी जान बचाई और आपस में दोस्ती कर ली।